हे गाइस, तो अपने मैं अपने नानी के घर आ चुकी हूँ। तो आते ही खेत के दर्शन करने आ गई, चारों तरफ खेत। आपको मैं इधर का गांव का नज़ारा दिखाती हूँ। इधर देख सकते हैं मेरे भाई बहन सब, इन लोगों का कोई भी काम नहीं है। वैसे जरा हाय बोल दीजिएगे सब। हाय देख लिया। हाय, वीडियो बन रहा है। हमने बंद कर दिया। ये है गांव का नजारा, सुंदर। तो यहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि सब लोग देख देख के हंस रहे थे कि मैं कर क्या रही हूँ। तो और भी भाई बहन सब थे, और लेकिन मैं उन लोगों को नहीं दिखा पाई। वो लोग कैमरा के सामने ही नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे हो गया कि मैं जब भी कुछ बोलने जा रही हूँ, ये लोग कुछ ना कुछ बोल दे रहे। तो इतना हंसी आ रहा था कि बोला ही मतलब बोल ही नहीं पा रही थी। और ये लोग मतलब ऐसे रिएक्शन दे रहे थे कि ये कर क्या रही है। तो मतलब मुझसे नहीं हो पाया, मैं तो जस्ट ऐसे ही वीडियो कर लिया। तो आप सब समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने मेरे नानी के घर का चारों तरफ का जो खेत है, सरसों का खेत वगैरह, सब आप सबको दिखाती हूँ अभी, जितना भी कुछ है। उसके बाद नानी के घर रिटर्न, फिर ये नानी के घर के जस्ट सामने पीछे का खेत है। और ये जो है मेरी मामी ने मुझे बांध के दिया है। कितना अच्छा लग रहा है, आप सब देख सकते हैं। क्योंकि ये पूरा गांव है, यहाँ पे गांव का नज़ारा। तो चूल्हे पे यहाँ पे खाना बनना कंपलसरी है। और ठंडी के दिन में तो ऐसे अच्छा ही लगता है चूल्हे पे खाना बनाना। तो मैं बना रही थी। हाँ, थोड़ा सा जैसे कि बहुत उस दिन बहुत ठंडा भी था, तो ठंडे के वजह से चूल्हे के सामने खाना बनाना भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी कि थोड़ा सा हेल्प भी हो जाए और चूल्हे पे चूल्हे का बनाने का एक्सपीरियंस भी हो जाए थोड़ा सा। तो ये होने के बाद मैं बच्चों से, यहाँ पे जितने भी मेरे मामी सबके बच्चे हैं, उनके लिए मैं मैगी बनाने गई। तो सोचा कि थोड़ा सा मैगी बना दूँ तो मैं भी खा लूँगी, उसके बाद बच्चे सब भी खा लेंगे। तो क्योंकि मुझे आज ही रिटर्न होना है यहाँ से, तो अभी सोचा कि थोड़ा सा बना दूँ, सब लोग खा ले मेरे हाथ का मैगी। एकदम सिंपल तरीके से बनाया है मैंने, क्योंकि टाइम नहीं था, हम लोग को 1 घंटे में निकलना था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी में बना दूँ, क्योंकि एक ही दिन के लिए मैं अपने नानी के घर आई थी। और मतलब इस बार सोचा था कि बहुत दिन रुकूंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। यहाँ पे शादी वगैरह सोचने से नहीं होता है, यहाँ पे आने के बाद टाइम टेबल सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो लेकिन फिर भी एक दिन तो नानी के घर जाना ही था, सबसे मिलना ही था, तो वो करके आ गई। लेकिन और मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं सबके साथ आप लोगों को मिलवा नहीं सकी नानी के घर में, क्योंकि कोई भी कैमरा के सामने नहीं आना चाहता था। तो मैं वो ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं लाना चाहती थी। कोई बात नहीं, कोई नहीं आना चाहता है तो हर कोई नहीं आना चाहता कैमरा के सामने। तो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। तो यहाँ पे जस्ट प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें मैगी डाल के मसाला वगैरह दे के वैसे ही थोड़ा सा सूप टाइप में बनाऊंगी, क्योंकि ठंडा है तो थोड़ा सूप टाइप में खाने में ही अच्छा लगता है। तो वैसे करके ही बनाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे मैगी रेडी हो चुकी है, तो इसके बाद सबको दे दूंगी, उसके बाद मैं भी खा लूंगी, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो
तो उसके बाद मैंने मोबाइल में देखा, मेरी बहन ने थोड़ा बहुत वीडियोस किया है घर का, तो मैं सोचा वो भी दे दूँ, थोड़ा सा आपको भी पता चलेगा। तो ये वाले मेरे मामा मामी हैं और दोनों के जुड़वा बच्चे, एक बेटा एक बेटी। तो ये बड़े वाले मामा जी तो यहाँ पे है नहीं, तो जो छोटी बड़ी वाली मामी है तो थोड़ा क्लिप जो है वो दिखा पाई। ये मेरी बड़ी वाली मामी है और मामी को। तो यहाँ पे हम लोगों का विदाई का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे ये खोइचा भरना इसको कहते हैं। जब भी कोई बेटी अपने घर आती है मायके, तो जाने के टाइम ये रस्म होता है, जितने भी पुराना क्यों होना जाए। तो ये मेरी नानी जो है, नानी कर रही है मेरे मम्मी को खोइचा देना बोलते हैं, तो खोइचा दे रही है और जाने के टाइम विदाई के टाइम ही करते हैं, तो ये कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग भी अब निकल लेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में।